लिखा है वास्तु दोष ऊपर। यदि आप भी कर रहे हैं गलतियां तो अभी कर लीजिए बदलाव। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीकर। सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र का अधिक महत्व है। इसमें इंसान के जीवन से संबंधित सभी परेशानियों के समाधान के बारे में बताया गया है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान दिन भर मेहनत करता है लेकिन इसके बाद भी उसे सफलता हासिल नहीं होती। इसके पीछे वास्तु दोष हो सकता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में वास्तु दोष होने की वजह से इंसान को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बनते कार्य भी उसके बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आपको घर में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। वास्तुशास्त्र के इन उपायों के द्वारा वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। देखिए, नल से पानी टपकने की वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे में आप नल को ठीक जरूर कराएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से पैसों की तंगी खत्म होती है और साथ ही धन लाभ के योग भी आपके लिए बनते रहते हैं। वहीं अगर परिवार के सदस्य कर्ज की समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसका कारण वास्तु दोष हो सकता है। ऐसे में घर में विधि पूर्वक श्री हनुमत यंत्र स्थापित करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से कर्ज जल्द समाप्त होने लगता है और कभी भी धन की कमी का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर आपके घर में कलह कलेश होता रहता है तो ऐसे में पोछा लगाते समय पानी में नमक डाल दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में सुख शांति भी आपकी बनी ही रहती है। इसी के साथ अगर आप मंदिर में देवी देवता की प्रतिमा को विराजित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो उन्हें शुभ दिशा में ही स्थापित करें। ऐसा माना जाता है कि गलत दिशा में भगवान की प्रतिमा होने से वास्तु दोष वहां उत्पन्न होने लगते हैं। यदि आप भी घर में ऐसी ही गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा था, तो हमारे द्वारा इन बताए गए उपायों को जरूर अपनाइएगा और आपको हमारे द्वारा बताई गई राय कैसी लगी इस पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।